राजस्थान के गंगानगर जिले में, श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ जिले से करीबन गंगानगर की तरफ, और ये 8 किलोमीटर दूरी पे है, स्थित है। बड़ी हाईवे रोड से करीबन ज़मीन पड़ेगी ये 1 किलोमीटर दूरी अंदर की। तो ये ज़मीन है, पानी बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास पानी है, मीठा पानी है, टॉप का 1 नंबर का पानी है, 1 नंबर प्योरिटी पानी की है, अच्छी क्वालिटी का पानी है। और 5 इंची के बोर लगे हुए हैं, 2 ट्यूबवेल लगे हुए हैं, पानी मीठा है। पूरी पूरी चावल वाली खेती की ज़मीन है, 25 बीघा ज़मीन, चारों ओर जाली की हुई है, पूरी कवरेज है, गेट लगा हुआ है और हैंडलॉक है पूरी टोटली। तो ये ज़मीन है, ये चावल बो रखे, इसमें चावल बोए हैं अभी, पूरे एक अंदर ज़मीन में बो रखे हैं पूरे में चावल। तो इस प्रकार की ज़मीन है, 25 बीघे ज़मीन, जनरल कैटेगरी का है, और बीघे का साइज रहेगा 165x165, और सामान्य कैटेगरी की है। जनरल का मतलब कोई भी कास्ट का बंदा खरीद सकता है इसको, केवल राजस्थान का सदस्य हो और राजस्थान सदस्य ही बंदा ले सकता है इसको। और किल्लाबंदी ज़मीन है, स्टैंडर्ड बीघा है, और बीघे का साइज रहेगा लगभग 165x165 का साइज है, स्टैंडर्ड बीघा है, बड़ा बीघा है, राजस्थान का पक्का बीघा बोलते हैं उसको। और अच्छी क्वालिटी और दोमट मिट्टी ज़मीन, मिक्स मिट्टी ज़मीन, ज़्यादा पक्की भी नहीं है, और चावल के लिए बहुत अच्छी ज़मीन है। पानी बिल्कुल 1 नंबर का पानी है, और पानी किसी प्रकार की शिकायत नहीं है पानी के अंदर। और इस ज़मीन के अंदर पानी के साथ में ट्यूबवेल का पानी, 2 ट्यूबवेल मिलेंगे, चारों ओर जाली की हुई है, दीवार निकाल कर ऊपर जाली की हुई है, और फेंसिंग लगी हुई है ऊपर वाले में, 4 फुट ऊपर दीवार निकाल के फेंसिंग लगी हुई है। टोटल टोटल कवरेज है, और 2 साइड में रोड बनी हुई है, बिल्कुल 5 बीघे एक साइड में, तो चौके लगे हुए हैं, और गांव के फ्रंट है, बड़ा गांव है, गांव के फ्रंट है। ये बीच का रास्ता है, और चारों ओर इसमें चावल बो रखे हैं, और बिल्कुल अच्छा प्लेन एरिया है, और ज़्यादातर इसमें 99% हिंदू कास्ट है। सूरतगढ़ के पास में ही है, ज़्यादा दूरी नहीं है सिटी से, और गंगानगर हाईवे रोड के अंदर है थोड़ा, 1 किलोमीटर, बिल्कुल अच्छी लोकेशन की ज़मीन है। जिस भाई को ज़मीन चाहिए तो संपर्क कर सकता है, और पानी है मीठे, और साथ में नहर का पानी है, 8 घंटे पानी की बारी है 25 बीघों की, पानी भी खूब है नहर का, और ट्यूबवेल का भी खूब है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छी ज़मीन है, किसी भाई को अगर रिक्वायरमेंट हो तो ज़मीन खरीद सकता है। और इसके अंदर ये एक सोलर वाला, इसके अंदर सोलर वाला भी सिस्टम लगा रखा है, इधर अभी स्ट्रक्चर लगाया है इन्होंने, और इसके अंदर अभी प्लेटें लगेगी इसके अंदर 5 बीघों के अंदर। तो बाकी 25 बीघा ज़मीन इसके अंदर अन्य बिकाऊ है, सोलर वाले भी अलग है, लगभग 30-35 बीघा सारी ज़मीन है टोटल। तो किसी भाई को लेना चाहे तो संपर्क कर सकता है जी, और इसका रेट भी अब आपको बता दिया जाएगा, रेट की ज़्यादा नहीं है, रेट भी जैसे ज़मीन देखते हुए ज़्यादा रेट नहीं है, बहुत अच्छी ज़मीन है, टॉप कंडीशन की ज़मीन है, किसी प्रकार का इशू भी नहीं है ज़मीन के अंदर, साफ सुथरी अच्छे इंसान की ज़मीन है। ये जो जिसमें चावल बोलते हैं, चावल की इसमें पौध है ये, इसको निकाल निकाल के खेत में बुआई करते हैं, हाथ से रोपा प्रत्यारोपण करते हैं इसमें, ताकि ये हाथ से बोए, और ये इसके अंदर लगे भी हुए लगाने के लिए, ये इधर वाली जगह खाली है, इसमें अभी लगाएंगे चावल, लगाएंगे अभी चावल की खेती करेंगे हम। तो पानी और रास्ता, रोड रास्ता, बाज़ार सिटी वगैरह हर प्रकार की फैसिलिटी है इसके अंदर, और मकान भी इसके अंदर अच्छे बने हुए हैं, 4-5 मकान बने हुए हैं, और रहने की सुविधा है टोटल, हर प्रकार की फैसिलिटी में है। जिस भाई को ज़मीन चाहिए हो तो, रिक्वायरमेंट हो तो, जो भी भाई ख़रीदना चाहे अपने दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है इस ज़मीन के लिए,
इसका रेट एकदम फिक्स रहेगा, और कुछ रेट के लिए अगर कुछ लेना चाहे डिमांड तो पार्टी की 20 लाख रुपए फिक्स रेट मांग रहा है, बाकी हो सकता है नेगोशिएशन हो जाएगा, संभावना यही है नेगोशिएशन हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो ज़मीन अच्छी है, टॉप कंडीशन की, बाज़ार के पास में, सूरतगढ़ एरिया में, और 8 किलोमीटर दूरी पे ये ज़मीन बिकाऊ है, 20 लाख रुपए प्रति बीघा। जनरल कैटेगरी की है। बात रही पानी की, पानी मीठे है यहाँ, पानी वाली कोई इशू नहीं है, नाली नज़दीक है बिल्कुल एकदम, और नाली भी ज़्यादा दूरी नहीं है, तो पानी है इसलिए बढ़िया पानी है, और पानी वाली प्रॉब्लम नहीं आती यहाँ किसी प्रकार की। इसको बुआई करी है ताकि चावल के लिए, अभी इधर चावल लगा रहे हैं, आगे हम आपको दिखाई देते हैं चावल के लिए, ये चावल की खेती कर ही रहे हैं, लगे हुए हैं चावल के लिए, ये लोग लगे हुए हैं, ये चावल लगा रहे हैं इसमें। तो अच्छा एरिया है, टॉप का एरिया, किसी भाई को ज़मीन की रिक्वायरमेंट हो तो संपर्क कर सकता है, राजस्थान के अंदर ज़मीन ले सकता है, कोई भाई लेना चाहे तो, अच्छी ज़मीन है, ओपन रजिस्ट्री नहीं है ये। अब इसमें चावल लगा रहे हैं, इधर भी चावल लगा दिए गए हैं, अब इसमें 5 बीघा पट्टी रही है, इसके अंदर चावल लगा देंगे, पूरे 25 बीघा में चावल हो जाएंगे, तो ये चावल लगा रहे हैं जी। अब ये चावल 3,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से चावल लगाने के ले रहे लिया है इन्होंने। अब ये चावल कलम रोप रहे हैं यहाँ, और पौध को लगा रहे हैं खेत के अंदर पानी में, तो ये गांव में पास था, मैं पास में नदी काम भी है, नदी भी, ये ज़मीन है जी, बहुत अच्छी ज़मीन है, मिट्टी बहुत मिक्स मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है, अच्छी क्वालिटी की मिट्टी है, किसी प्रकार का इशू भी नहीं है ज़मीन के अंदर, साफ़ सुथरा, सभी आदमी की ज़मीन है ये, सभी परिवार की, और क्यारियाँ बनाकर पानी कंप्यूटर से पूरी प्लान करके, और इसके अंदर उन्होंने चावल लगाया अभी। पास में बड़ा गांव है ये, छोटे के पास में ही है, पानी वाली बिल्कुल किल्लत नहीं है इसके अंदर, पानी वाली किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ये ज़मीन है, आप देख सकते हैं सारे यू साइडों में किस प्रकार का एरिया है, पानी नाले वगैरह सब भरे हुए हैं, पानी चारों ओर पानी पानी नज़र आ रहा है, और ज़मीन भी बहुत अच्छी है, सुविधाजनक ज़मीन है, इस ज़मीन का एक फ़ायदा है, कल को अगर कॉमर्शियल में ज़मीन में काम लेना चाहो तो कॉमर्शियल में ले सकते हैं, क्योंकि एक साइड में बहुत बड़ा गांव है, इसको आप कॉलोनी में काट सकते हो, कॉलोनी में कन्वर्ट करके इसमें कॉलोनी पट्टे काट कर, और इसको प्लॉट काट के बेच भी सकते हो, कोई भी काम ले सकते हो, क्यों, दो साइड में इसके रोड लगती है, बिल्कुल अच्छी लोकेशन की है, ये ज़मीन है जी, अब इसके अंदर सारी आपको जानकारी दे दी है, और कृपया आपसे निवेदन है कि इसको वीडियो को देख के मेरे से इस जानकारी के बारे में न पूछें, क्यों, मैंने बता दिया 20 लाख रुपए प्रति बीघा मांग रहा है, उसमें कुछ नेगोशिएशन भी हो सकता है, और ज़मीन इस प्रकार की है, पानी खूब है,
पानी कोई कमी नहीं है, नहर का भी पानी बहुत है, इसके कैनाल का भी पानी लगता है और ट्यूबवेल का भी पानी है, दो ट्यूबवेल है, पानी खूब है। 25 बीघे ज़मीन बिकाऊ है और 20 लाख रुपए कीमत है। बीघे का साइज रहेगा 165x165, स्टैंडर्ड बीघा है, बिल्कुल साफ़ सुथरी ज़मीन है, किसी प्रकार का डिस्पोट नहीं है, बिल्कुल रोड रास्ता बिल्कुल क्लियर है।